नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के प्रसिद्ध पत्रकार इम्तियाज अहमद ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत किया। जिला चांदनी चौक कार्यालय में आयोजित कार्यकारिणी बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गांधी स्मृति गांधी दर्शन के वाइस चेयरमैन विजय गोयल, सांसद मनोज तिवारी भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए और भाजपा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भी इम्तियाज अहमद को भाजपा परिवार में शामिल होने पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर चांदनी चौक जिला के प्रभारी राजकुमार ग्रोवर, महामंत्री प्रवीण जैन, अजय भारद्वाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश अग्रवाल एवं जिले के सभी मोर्चों के अनेकों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इम्तियाज अहमद ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है जो आज मैं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना हूँ। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के इसी नारे से प्रेरित होकर देश निर्माण में योगदान देने एवं मन में समाज सेवा की भावना लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का फैसला किया है। आशा करता हूं कि भाजपा परिवार में मुझे भरपूर मान सम्मान मिलेगा। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट।